अभी अभी आप तीन दिन पहले देश के गृह मंत्री जी बिहार आए थे, झंझारपुर में आए थे। उन्होंने स्पष्ट बयान दिया कि हम जातिवाद को खत्म करेंगे और मेरिट पे हम राजनीति करेंगे। यानी कि क्लियर बात है कि एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है, जो पंचायती राज में हो या लोकसभा या विधानसभा मिलता है, तो इसका मतलब स्पष्ट है वो खत्म करना चाह रहे हैं। और जातिवाद, देखिए जाति तो हमारी पहचान है, सब आदमी अभी अपने अपने जात के लिए लड़ाई लड़ रहा, अपने अपने जात में अपने बच्चे को शादी करते हैं, जात तो हमारी पहचान है। आप किसको खत्म करना चाहते हैं भाई? तो ये क्लियर है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, इसलिए हम लोगों की लड़ाई है कि संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे, उस रोज देश में कुछ नहीं रहेगा और देश गुलाम हो जाएगा और जो हिटलर शाही वाला हिसाब किताब है वो लागू हो जाएगा। आपने हमने कहा ना कि अगर संविधान को अगर मानते तो बताइए कि मैंने परसों कुछ बयान दिया, उस बयान को उनको बुरा लगा होगा? हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो उनको बुरा लगेगा। हमने तो कई बार बोला कि मोदी जी शाहरुख खान सलमान खान के जैसे लगते हैं, तो सलमान खान शाहरुख खान हो गए। हम वो खुद ही बोलते रहे कि हम चौकीदार हैं, तो मैंने बात ताली बजाने की बात किया, उसने अपने ऊपर ले लिया कि हमको इस तरीके से कहा गया, हमने उनके उनके जैसे कहा। तो ये देखिए कि अभी हमारा बात विवाद हो सकता था, हमें वाई प्लस सुरक्षा मिला था और वाई प्लस सुरक्षा कोई किसी मोदी जी का नहीं था, वो भारत सरकार का था, देश के जनता के खर्चे से वो चल रहा था। तो अगर वो हमारे अगर दिया गया तो कोई प्रक्रिया था, हमारे जान माल का खतरा था इसलिए उन्होंने दिया। और अगर हटाने की भी बात होगा तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया होगा कि हमारे अगर ऊपर अगर खतरा नहीं है तो हटाया जाए, और हटाने के लिए भी सिस्टम बना है कि अगर वाई प्लस है तो वाई कीजिए, फिर उसके नीचे लाइए, उसके बाद फिर उसको ख़त्म कीजिए। तो वो आपने प्रक्रिया नहीं निभाया, आप एकदम हिटलर के जैसा, राजा के जैसा, मालिक के जैसा, देश का मालिक के जैसा, आपने एक बार में बगैर नोटिफिकेशन दिए हुए आपने विड्रॉल कर लिया। तो यही हमको दिक्कत है ना कि आप देश का संविधान को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? आज आप दो दो मुख्यमंत्री को क्यों जेल में डाल दिए हैं? क्यों आपने जनता का वोट दिया हुआ विधायक को, सांसद को आप क्यों अपने पैसा के दम पर खरीद ले रहे हैं? आपके पास इतना पैसा आ रहा है, आप अडानी हो अंबानी हो बड़े बड़े उद्योगपति को डरा के धमका के नोटिस भेज के और उससे आप चंदा ले लेते हो, और वही चंदा के पैसे से देश के जनता का अपमान करते हो, ये क्यों करते हो? जो चंदा नहीं देता उसको आप जेल भेज देते हो, या जो किसी को बड़ा बड़ा टेंडर दे देना, बड़ा बड़ा ठेका दे देना, एयरपोर्ट को लीज पे दे देना, और उसके कारण आप उससे बड़ा पैसा उगाही करते हो। भाई आप बताइए, हमारे देश का सारा सरकारी संपत्ति को आप प्राइवेट क्यों कर रहे हो? आप बताइए, हमारा जो युवा जो सरकारी सिस्टम पे काम करता है उसको 70-80 हज़ार रुपया महीना मिलता सैलरी, अभी प्राइवेट कंपनी के पास जाता है तो रिज्यूम लेके जाता है, देखता है हाँ ठीक है 30,000 देंगे, अब वो मनमानी करता है। अभी हमारे युवा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो 30,000 में नौकरी करता है। हमने राजस्थान में गया, वहाँ पर एयरपोर्ट पर हमने देखा लॉन्च अडानी को दे दिया गया, अडानी में एक मैनेजर लेवल का पोस्ट वाला लड़का सबने देखा, बहुत ही स्मार्ट पढ़ा लिखा समझदार था, उनसे पूछा भाई कितना सैलरी है, तो बोला 20,000 रुपया सैलरी है। आप बताइए, जिसका सैलरी 1,00,000 होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए, वो उसको 20,000 सैलरी मिल रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि देश का संपत्ति को निजीकरण ना किया जाए, प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए, उसको सरकारी संस्था पर रहने दे, संविधान को फॉलो कीजिए, संविधान में सभी को जीने का अधिकार है, सर उठा के जीने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है, और देश में अभी लोकतंत्र का चुनाव हर कोई लड़ सकता है। आप हिटलर शाही के जैसे कर रहे हैं, आप बताइए मुकेश सहनी का घर छीन लिए, विधायक ले लिए, आप मुकेश सहनी का सुरक्षा ले लिए, आप क्या चाहते हैं? हम मर जाएं? हम अपने जात के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम कोई गुनाह कर रहे हैं? आप पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। तो ये सारे चीज़ें हैं, आप बताइए, आप आके झूठ बोल के चले जाते हैं कि हमारा मंडल जो मंडल आयोग का जो सिफारिश था वो लागू नहीं किया कांग्रेस। अरे कांग्रेस ने 2 सिफारिश लागू किया, 40 का 40 करता तो निश्चित तौर पर आज भी कांग्रेस रहता, उन्होंने नहीं किया इसलिए वो आज सत्ता में नहीं है। लेकिन आप भी लंबे समय से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 7 साल सत्ता में रहा, आप 10 साल से हैं, 17 साल हो गया 93 से लेकर अभी 31 साल में, 17 साल आपके पास समय मिला है, आपने बाकी सिफारिश को क्यों नहीं लागू किया? उसमें 40 सिफारिश में से 37वां सिफारिश में निषाद मल्ला को भी है कि आरक्षण देना है, नहीं दिए तो क्या कहेंगे? अभी हमें आश्चर्य होता है, देखिए अब बताइए मेरे को, देश का प्रधानमंत्री इतना भाषण देने के लिए आते हैं, बताइए मेरे को 10 साल में बिहार में एक रोज के लिए भी आया? रात्रि विश्राम किए होंगे, बिहार में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री से बैठकर कभी चर्चा किए?
अगर भारत के प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों से अगर हितैषी होता तो बिहार में आते, रुकते एक रात, यहाँ के लोग के बारे में बात करते, 40 में से 39 सीट उनको जिता के दिया, एक बार भी बिहार के बारे में सोचे? आप बताइए कि अगर वो जनता की बात मानता, आप लोगों को मानता, तो आपके साथ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता? पूरा दुनिया का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। आप बताइए, देश में 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जनता का बात, आप लोगों का सवाल का जवाब दिया? हम देखिए आज सुबह शाम आते हैं, आप जो पूछते हैं हम उसका जवाब देते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को ये सारा चुनाव वो देखिए, हम लोग जनता को मालिक मानते हैं और वो लोग ABM को मालिक मानते हैं, उसके पास पैसा उसको मालिक मानते हैं, उनको जो करना है वो करने दीजिए। हम जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं, गरीब किसान के ऊपर छोड़ रहे हैं, हमारे युवा के ऊपर छोड़ रहे हैं, युवा को, किसान को, सभी जनता को सोचना है कि हमको क्या करना है। हम सिर्फ जो मोदी जी 2014 में बोले वही जा रहे हैं जनता के बीच में बोलने के लिए, और जो मोदी जी गलत कर रहे हैं वही मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ, मोदी जी का तीसरा आंख बन करके कि मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ कि ये मोदी जी गलत कर रहे हैं, और जनता को निर्णय लेना, जनता मालिक है। नॉमिनेशन कर रहे हैं चिराग पासवान, वो करे, नॉमिनेशन करे, उससे हमको अच्छी बात है, चुनाव लड़े। आप निषाद की बात करके, NDA का एक बड़ा गंभीर आरोप आप पर है, पहले भी और अभी भी आपने एक भी निषाद परिवार का, आपको, आप हमको पता चल गया, BJP का ऑफिस आए हैं और पूरा BJP के एजेंडा पे बात कर रहे हैं, उसका भी जवाब दे देता हूँ। 2020 में हमने 11 सीट पर लड़ा, 4 निषाद को चुनाव लड़ा है, और चारों चुनाव निषाद जो है हार गए, इसलिए क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होता, अंतिम समय में टिकट देने के बाद वो तैयारी नहीं हो पाता। आपको इस बार भी पता होगा कि 3 सीट हमको मिला, अंतिम आवर में हम इंडिया गठबंधन में आए, 3 में एक सुरक्षित है, वहाँ लड़ ही नहीं सकते। 2 जगह ऐसा सीट था जहाँ पे हमको वहाँ पे जीतने के लिए लड़ाई लड़ना है, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ना है। भाजपा ने भी एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, तो हम फॉर्मेलिटी निभाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, जीतने के लिए लड़ते हैं। और हमने क्या बनिया समुदाय को टिकट दिया तो BJP को तकलीफ है क्या? हमने कुशवाहा समाज को टिकट दिया तो तकलीफ है क्या? हम पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं लड़ रहे। हम तो खुद भी चुनाव नहीं लड़े, तो इसका ये मतलब थोड़े कि चुनाव ही लड़ना है। हमारे एजेंडा है समाज को, हर वर्ग को, लोगों को मदद करना, उसको आगे पहुंचाना। देखिए, चिराग पासवान जी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, वो सोना का चम्मच लेके जन्म लिए हैं, बॉम्बे गए थे हीरो बनने के लिए, वहाँ से फ्लॉप हो गए हैं, खाली अपने आप को हनुमान कहते हैं और शेर का बच्चा कहते हैं। हम नहीं मानते, हम शेर का बच्चा उनको मानते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, जिनको मैं इज्जत करता हूँ। आज भी हमारे ऑफिस में जाइए, उनके तस्वीर आपको दिखेगा, आज भी उनका भाषण पार्लियामेंट का सुनते हैं ना तो सीना चौड़ा हो जाता है कि कोई शेर का बच्चा पार्लियामेंट में इस तरीके से बोलते रहा है। आप हनुमान बन के घूम रहे हैं, आप पहले अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलिए, आप देखिए वो आपके पिताजी का बनाया हुआ पार्टी को ख़त्म करने वाला, आपके पिताजी को बंगला से का मूर्ति हटाने वाला, आप उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं और अपने आप को हनुमान बने हैं। शेर का बच्चा रामविलास पासवान जी थे, अगर शेर का बच्चा आपको बनना है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चलिए। आज जैसे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चल रहे हैं और हम गरीब किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धांतों पर चलते हैं चिराग पासवान, पहले अपने पिताजी के सिद्धांत पे चले, हर आदमी को अपने अपने पूर्वज का, अपने पिताजी के सिद्धांत पे पहले भी चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो है, वो विकास करेंगे तो हम भी उनको बहुत बधाई देंगे। आज क्यों मोदी जी, अभी वैक्सीन वाला जो कोरोना सर्टिफिकेट था, आज मोदी जी क्यों अपना तस्वीर हटा लिए ये बताइए? और जब वो जब लगवा रहे थे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के डबल डोज, तभी तो अपना फोटो लगवा रहे थे, और आज वो फोटो क्यों हटवा दिए? क्योंकि आज कोरोना का वैक्सीन लगने से आज देश में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, और उनको एहसास हो रहा है कि जो लोग मर रहा है वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि बताएंगे कि हम लोग मर रहे हैं, आज इसलिए उन्होंने सर्टिफिकेट में से फोटो हटाया है।